हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और आज आपके लिए मैं स्पेशली EMRS के सिलेबस से ऑन डिमांड में लेकर आई हूँ एक्का यदागिरी राव आर्टिस्ट को, जो कि EMRS के सिलेबस में दे रखे हैं। और ये देखिएगा, ये खाली मैं ये नहीं कहूँगी EMRS के सिलेबस में दे रखे हैं तो सिर्फ उनके लिए ही हेल्पफुल हैं, ये आपके बाकी जितने भी UP TGT PGT का जो एग्ज़ाम होता है या UGC का जो एग्ज़ाम होता है उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ, अभी मैंने पीछे इंडिपेंडेंट डे पर अपने कोर्सेज में ऑफ़र दिया था, तो अब आप जो वो ऑफ़र है वीकली आप देख सकते हैं। तो वीकली जो लोग ऑफ़र लेकर जुड़ना चाहते हैं कोर्सेज से, क्योंकि प्रैक्टिस सेट्स भी चल रहा है और आप देखेंगे जो EMRS का कोर्स है वो भी चल रहा है, और तो बाकी अदर कोर्सेज भी हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं उसमें। अभी जैसे ऑफ़र आएगा आप लोगों के पास कॉल जाएगा, आप लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, ठीक है। एप्लीकेशन आप जैसे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तब भी आपके पास चला जाता है। अब देखिएगा, आज मैं एका यदागिरी राव के बारे में बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, इनका जो जन्म है, एका यदागिरी राव आप देख सकते हैं ये हैं, इनकी जो प्रसिद्धि है, पहले मैं जन्म के बारे में बता देती हूँ इनका। इनका जन्म 20 जुलाई 1938 हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप देख सकते हैं एका यदागिरी राव भारत के प्रसिद्ध एक मूर्तिकार और एक कुशल नक्काशी करता है, तो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। दक्षिण भारत के पहली पीढ़ी के कलाकारों में सबसे प्रमुख कलाकार आते हैं जिन्होंने मूर्तिकला को चुना और प्रमुख आलोचक से पुकारा और सराहना कर जीत कर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। और ये तेलंगाना के राज्य के एकमात्र ऐसे मूर्तिकार हैं जिन्होंने महान सामाजिक राजनीतिक महत्व के कई राज्य प्रायोजित हंगामे किए थे और विशाल पत्थर के खंडों को उकेर कर बड़ी धातु के की वस्तुओं को भी इकट्ठा किया था। तो देख रहे हैं आप, इनकी सबसे पहली मेन चीज़ है इनकी जो प्रसिद्धि है वो किस रूप में है, और इनकी जो प्रसिद्धि है वो एक नक्काशीदार और एक मूर्तिकार के रूप में है। तो इनका जो जन्म है वो भी ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, आप देख रहे हैं इनके कार्यों को हम पढ़ेंगे आज अभी, और इनके जो पुरस्कार हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो अपने कैरियर की शुरुआत की थी वो 1960 के समय से की थी। इन्होंने बड़ी जीवंतता और जोश के साथ आधुनिक भारतीय कला के औपनिवेशिक युग के बाद के संक्रमण काल में मूर्ति कला का काम शुरू किया था। संक्रमण काल मतलब वहां पर जब कोई एक चीज प्रचलन में नहीं थी, बहुत सारी चीजें थी। तो ये जो समय था, अब अधिकांश भारतीय कलाकार पारंपरिक और विकृत शिक्षावाद से हटकर नई भाषाओं की तलाश कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने मूर्तिकला की शुरुआत की थी। आधुनिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के सतत समानांतर परंपराओं का विस्तार करने के लिए इन्होंने जो देश के प्रमुख मूर्तिकारों के साथ मिलकर भी इन्होंने काम किया था, इन्होंने बहुत सारे कलाकारों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी था, जो इनके काफ़ी काम भी आया हुआ था। जैसे आप देख रहे हैं कि यदागिरी राव जो हेनरी मूर और पिकासो की धातु की जो वस्तुएं हैं उनको असेंबल के रूप में चुनने के लिए एक दिशा में उतरे, मतलब उसको फिर से मतलब जोड़ने के प्रयत्न के पर्पस से इन्होंने वो काम शुरू किया, और आधुनिक भारत की मूर्ति कला में इनका ये एक महत्वपूर्ण योगदान था, और ये हमेशा आधुनिक भारतीय कला की मूर्ति कला में एक महत्वपूर्ण योगदान देते थे। देखिए, यदागिरी राव जवाहरलाल नेहरू की तकनीकी विश्वविद्यालय JNTU हैदराबाद के मूर्तिकार विभाग ललित कला महाविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, नियुक्त रह चुके हैं। इन्होंने देखिएगा, इनके जीवन और कला में प्रमुख प्रभाव प्राचीन भारतीय दर्शन अद्वैत का है, जो उन्हें मूर्तिकार और इंसान के रूप में उच्च स्थान प्रदान करता है। 2005 में सरकार द्वारा वरिष्ठ फेलोशिप इनको मिली थी, भारत की संस्कृति विभाग की ओर से मिली थी। नेक्स्ट देख लेते हैं इनको कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे, तो देखेंगे 2018 में द आर्ट बोर्ड्स राजस्थान के से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। डीलिट गीतम विश्वविद्यालय हैदराबाद भारत से इनको मिली थी। 2017 में भारत के राष्ट्रपति से पद्मश्री भी आंध्र प्रदेश का भी इनको मिल चुका है, और 2009 में तेलुगु विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा डीलिट की उपाधि भी इनको मिल चुकी है। 2009 में सरकार द्वारा हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश का इनको ये पुरस्कार भी मिल चुका है। 2002 में डेट्रॉइट USA में प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में भी ये प्रसिद्ध रह चुके हैं। 2003 में AIFSCS नई दिल्ली द्वारा इनको अनुभवी कलाकार के रूप में भी नियुक्त किया जा चुका है।
2004 में देखिए इनकी क्या प्रसिद्धि थी, तेलुगु विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा प्रतिभा पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। 1984 कला सरस्वती कला सम्मेलन हैदराबाद में से भी इनको पुरस्कार मिला है, कला सरस्वती मतलब पुरस्कार मिला है इनको। अब देखिए रजत जयंती समारोह में आंध्र प्रदेश के गठन द्वारा प्रख्यात कलाकार का पुरस्कार इनको 1981 में मिला है। 1975 में इनको प्रख्यात मूर्तिकार का पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। अब देखिएगा इनके अन्य पुरस्कार भी मिले, जैसे हैदराबाद आर्ट सोसाइटी एपी द्वारा इनको गोल्ड मेडल भी मिला है, और अकादमी द्वारा देखिएगा 1974 में इनको गोल्ड मेडल मिला है, और 1969 में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई अन्य पुरस्कार, मतलब पुरस्कार इनको काफी मिले हैं। एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे थे, इसलिए आपके सिलेबस में भी डाले गए हैं। अब देखिएगा, अच्छा ये वही है, इनको मनोनीत किया गया था 2010 में सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक परिषद के सदस्य, आंध्र प्रदेश का सदस्य के रूप में। 2002 से 5 के मध्य इनको सरकार द्वारा सदस्य दक्षिण क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर भारत के लिए नियुक्त किया गया था, और 1980 से 89 के मध्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय कला अकेडमी नई दिल्ली के सदस्य के रूप में भी इनको चुना गया था। 1975 से 81 के मध्य आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एपी ललिता कला अकेडमी के सदस्य के रूप में इनको चुना गया था। अब इनके कार्य देख लेंगे, कौन कौन से इनके कार्य थे, स्पेशली क्या होता है एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो कार्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके कार्यों को देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य हैं इनके जो पूछे जा सकते हैं। 2003 में इडाती सत्यनारायण कांस्य प्रतिमा निजामाबाद की है। 2002 में डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमा ये भी निजामाबाद में बनाई है। 1999 में दुर्गाबाई देशमुख कांस्य एनएफसी विशाखापट्टनम में बनाई है। 1996 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ब्रॉन्ज की कांस्य प्रतिमा है ये, हैदराबाद में इन्होंने बनाई है। 1991 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ब्रॉन्ज में बनाई मेटपल्ली करीमनगर में बनाई एक प्रतिमा है। 1986 में सुरवरम प्रताप रेड्डी की कांस्य प्रतिमा हैदराबाद में इन्होंने बनाई थी। 1984 में सेंटिनल्स ग्रेनाइट राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। 1975 में दामोदरम संजीवया स्मारक ग्रेनाइट की गन पार्क में प्रतिमा इन्होंने बनाई थी। इसके बाद देखेंगे 1969 में महात्मा गांधी की भी कांस्य प्रतिमा इन्होंने नई दिल्ली के अंदर बनाई हुई है। 1967 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा भी इन्होंने नई दिल्ली के अंदर बनाई हुई है। तो ये आप देखेंगे इनके कार्य थे। इनकी कुछ प्रदर्शनियां हैं वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, इनकी कौन कौन सी प्रदर्शनी कहाँ पर लगाई गई थी, कहाँ कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो आप देख पा रहे हैं 2010 में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी डेनमार्क में इनकी लगाई गई थी। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी सिंगापुर। 2004 में राष्ट्रीय मूर्तिकार शिविर चंडीगढ़ पंजाब में भी इन्होंने लगाया हुआ था। 2003 में माज डेनेक डबलिन पोलैंड में। 2002 में राष्ट्रीय मूर्तिकार शिविर हैदराबाद में। 2002 में हबीरथ फाउंडेशन नई दिल्ली। 2001 में समसामयिक भारतीय कला फुलदा जर्मनी। 1997 में भारत पाक जयंती सांस्कृतिक समारोह हैदराबाद। 1996 में विश्व तेलुगु महासंघ हैदराबाद। 1986 में सार्क अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी बेंगलोर। 1975 में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी नई दिल्ली। 1974 में राष्ट्रीय मूर्तिकार शिविर बेंगलोर, और 1965 से अन्य राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियाँ। ठीक, अब इनके बारे में इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, कहाँ से क्या आ सकता है, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। देखिए कलाकार से क्या चीज़ें आती हैं, फर्स्टली एक कलाकार से जो चीज़ें आती हैं वो होती है उसकी पेंटिंग, जिसके लिए उसकी प्रसिद्धि है। तो इनकी जो प्रसिद्धि है वो मूर्ति कला के लिए है। तो इनकी मूर्तियां आप लोगों को याद करनी है, जो मैंने बता दी है कौन कौन सी मूर्ति है, कहाँ बनाई है, किस माध्यम में बनाई है, राइट। इनकी प्रदर्शनियों को भी देख लें, इनकी प्रदर्शनियां कौन कौन सी हैं, इन्होंने कहाँ पर वर्क किया है, मेन वर्क भी है इनका, इनकी प्रसिद्धि किस रूप में है, ये एक मूर्तिकार में है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इनको आप लोग अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो ये यक्का यादगिरो ज्यादा ज्यादा यदागिरी राव जो है वो ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत इजीली है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो है मैं यूपी टीजीटी और EMRS जो दोनों में सिलेबस के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं लेकर आऊंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।